हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि देख सकते हैं, सुबह हो चुकी है और हमारे पिंचेस, हमारे बजीज और हमारा मिट्टू भी आराम से बैठा हुआ है। और आज एक और काम हो चुका है क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो रही थी और वो जो हमारा नन्हा मेहमान अपने लॉफ्ट से नीचे आके गिर गया, तो उसको कहो ने शायद घायल कर दिया था। तो पापा लोग थे, उन्होंने रोक लिया, उसको बचा लिया और हमने उसको लाके कर दिया है मिट्टू की केज में। अब वो मिट्टू की केज में है, मिट्टू को बड़ी केज में कर दिया है, वजीज की केज में कर दिया था और फिंचेस भी ठीक हैं अब और मिट्टू भी ठीक है, बढ़िया तरीके से रिएक्शन ले रहा है, अब अच्छा फील कर रहा है। वो बड़ी केज में उछलता कूदता फिरता रहता है और दिखाएंगे वो नन्ना मेहमान कौन सा है, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये हमारी फिंचेस बैठी हुई हैं, ये और ये हमारी वजीज़ हैं और वो यहाँ पे मिट्टू बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिट्टू बैठे हुए हैं और मिट्टू अब काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। इसको बहुत बड़ा सा केज मिल गया है, मिट्टू को जब से बड़ा सा केज मिला है तब से मिट्टू काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है इसमें और काफ़ी ज़्यादा उछल कूद करता है। यहाँ से उड़ता है, इस वाली डाली पर बैठ जाता है आके और वहाँ से उड़ता है, नीचे चला जाता है। और हमको पता नहीं था मिट्टू जो है वो ये बजीज की फीड भी काफ़ी ज़्यादा खा रहा है। हमने देखा, आज हमने सुबह ही देखा मिट्टू बजीज की फीड काफ़ी ज़्यादा खा रहा था। हमने देखा, हमको पता ही नहीं था कि ये मिट्टू बजीज की फीड काकुना काकुन वगैरह खाता है, कंगनी वगैरह खाता है और मिट्टू कंगनी भी खाता है, हमें नहीं पता था। तो अब मिट्टू काफ़ी ज़्यादा बेटर है, अच्छा है और उसने जो है अपने सिर के ऊपर का वो जो होता है चोंच के ऊपर का काफ़ी ज़्यादा अपने घायल कर लिया था अपने आप उस वाले पिंजड़े में। और आपको और दिखाना है, ये हमारे पिंजड़े में नन्हा सा मेहमान आके बैठ गया है। ये नन्हा सा मेहमान आज अपने आप इमरजेंसी एग्ज़िट से नीचे आ गया और पापा लोगों ने देख लिया, वरना कौओं ने हमला कर दिया था इसके ऊपर और ये बच चुका है। और काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ये और इसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वो हैं, पर हैं। इसे पापोश बोलते हैं, पामोश बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पर हैं क्योंकि लगभग एक एक उंगली भर के पर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है अगर गाइस आप कहीं बाहर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हमने मिट्टू की केज में, तोते की केज में कबूतर को बंद कर दिया है और हमारी यहाँ पे फिंचेस देख सकते हैं फीड कर रही हैं और उछल कूद बहुत करती हैं, बहुत ही जल्दी ये पानी को गिरा देती हैं। फीड तो नहीं गिरा सकती हैं, जब फीड ख़त्म हो जाती तभी गिराती हैं, लेकिन ये पानी को बहुत ही जल्दी गिरा देती हैं गाइस। तो अब ये 3 फिंचेस बची हैं, तो गाइस जिस दिन भी जाना हुआ लखनऊ तो इनके लिए 3 और फिंचेस लानी, क्योंकि हमें इनकी संख्या पूरी करनी है, इनकी नंबर पूरा करना है, इनका क्वांटिटी कह लीजिए, तो क्वांटिटी इनकी पूरी करनी है। बाकी बजीज की भी हमें क्वांटिटी पूरी करनी है धीरे धीरे करके, जो उसमें 6 थी तो 4 कर सॉरी उसमें 6 थी, 2 ही बची हैं गाइस। अब इसमें 4 की कमी हो चुकी है, मिट्टू को भी इनका जोड़ा भी लगाना है, मिट्टू का भी जोड़ लगाना है। मिट्टू अब बढ़िया तरीके से देख सकते हैं कैसे क्या मिट्टू कर रहा है, ये ऐसा इस केज में नहीं कर पाता था क्योंकि केज छोटी थी इसके लिए, इसका पिंजरा छोटा था मिट्टू का, तो ये बढ़िया उसमें घूम फिर नहीं पाता था। मिट्टू को बहुत बड़ा स्पेस मिल चुका है इन्हीं के साथ में और ये अब बहुत ज़्यादा तोते हमारे बोलने लगे हैं, ये वाले तोते बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जब बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है गाइस। अगर आपके यहाँ भी हैं तो आप प्लीज़ उनकी केयर कीजिए, अच्छी तरीके से उनको रखिए। और हमने मिट्टू को आज सेब दे दिया है, यहाँ पे ये सेब रखा हुआ है मिट्टू का और छोटी छोटी चींटियाँ आने लगती हैं मिठाई की वजह से, चींटियाँ भी आने लगती हैं गाइस। तो बाकी हमारे फिंचेस भी ठीक हैं, हमारे ये भी ठीक हैं और बारिश भी हो रही है, आज बारिश भी काफ़ी देर से हो रही है, तो इसलिए ज़्यादातर आज हम ब्लॉग को यहीं पर बंद करते हैं। अगर गाइस आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।